क्या आप भी माइनक्राफ्ट खेलते हो? हाँ। क्या आप माइनक्राफ्ट बिना शेडर के खेलते हो? हाँ। तो क्या आपको भी चाहिए ऐसा शेडर जो आपके माइनक्राफ्ट को बदल के रख दे? हाँ भाई हाँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ माइनक्राफ्ट के 5 ऐसे शेडर जो आपके माइनक्राफ्ट खेलने के एक्सपीरियंस को 100 times बेटर कर देंगे। एंड ये शेडर अपने नॉर्मल फोन में भी चल जाते हैं गाइस, लैग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और ये 5 शेडर बहुत ज्यादा ऑसम है गाइस, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट शेडर होने वाला है न्यूबी एक्स फ्यूचर, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है गाइस। देखो इसका सनराइज कितना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, इसके जो सूरज की किरणें है ना ये भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सच में रियलिस्टिक लगता है। तो सनराइज तो हमने देख लिया, मैं आपको अब सनसेट दिखाती हूँ। और सनसेट भी अपने को रियल वाली फील देता है। और एक और बात है कि अपने को ना दिन में ही टूटते तारे दिखते हैं, तो आप विश मांग सकते हो। मैं भी विश मांगती हूँ जल्दी से मेरे 2K सब्सक्राइबर हो जाए। एंड गाइस इस शेडर में ना हमें ग्लोइंग ओर वाला इफेक्ट भी मिल जाता है। देखो सारे ओर ना यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं, तो ये अपने को माइनिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो इसलिए भी शेडर अच्छा है। एंड बारिश में इस शेडर का व्यू कुछ फॉगी सा हो जाता है, देखो हर तरफ ऐसा धुआं धुआं लग रहा है। और इसमें खास बात ये है कि हमें यहाँ पे एक प्यारा सा रेनबो भी देखने को मिलता है। ओवरवर्ल्ड तो हमने देख लिया गाइस, अब मैं चल के आपको नेदर दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो हम आ चुके हैं नेदर में गाइस, और ये देखो गाइस क्या सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ी सैचुरेशन बढ़ जाती है जिससे बहुत अच्छा लुक आता है इसमें, और ये सब ग्लो हो रहा है। एंड लावा कुछ इस तरह दिखता है। एंड देखो गाइस इस पेड़ की स्टेम भी ऐसे ग्लो हो रही है। तो नेदर तो हमने देख लिया, अब चलते हैं एंड में। तो हम आ गए एंड में, और हमसे पहले यहाँ पे मेहमान आके बैठे। चलो ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ। तो गाइस एंड कुछ इस तरह दिखता है, पर्पल कलर कुछ ज्यादा दिखता है, जो कि सच में अच्छा लग रहा है। एंड ऊपर अपने को गैलेक्सी जैसा सिंबल भी देखने को मिल जाता है, और ये अपना ड्रैगन है। तो अपने सारे फीचर्स तो देख लिए, मैं अब आपको सिनेमैटिक्स दिखाती हूँ। एंड गाइज अपना सेकंड शेडर है सोलर शेडर, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा लगती है। एंड इस शेडर का सन कुछ इस तरह लगता है, ये तो सेम वैसे ही जैसे मैं बचपन में ड्राइंग में बनाती थी, खाली सर्कल बनाती थी, ये स्क्वायर है। और गाइज देखो इसके पेड़ पत्ते भी अच्छे लग रहे हैं, पेड़ की शेडो भी बहुत अच्छी लग रही है। एंड चलो मैं अब आपको इसका पानी दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। तो इस शेडर का वाटर गाइज सच में रियलिस्टिक लगता है। देखो हम ऊपर से देखेंगे तो हमको अंदर का सब दिखेगा, लेकिन जब हम इसके अंदर जाएंगे तो ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट के वाटर के जैसा ही है, लेकिन ऊपर से सच में रियलिस्टिक लगता है। एंड गाइस ये देखो पिछले शेडर की तरह इस शेडर में ना पत्ते नहीं हिलते और घास भी नहीं हिलती। और इस शेडर का सनसेट कुछ इस तरह है, जो कि सुंदर लग रहा है। और दिन तो हमने देख लिया, अब रात देखते हैं। एंड गाइस रात देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है इस शेडर में, और इसमें हमें ग्लोइंग ओर का इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, तो इसमें भी माइनिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर गाइस स्काई देखो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, एंड मून भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब चलो हम चलते हैं नेदर में, चल के देखते हैं कि कैसा है नेदर। एंड हम आ गए नेदर में, और नेदर भी काफी ज्यादा ब्राइट है गाइस। एंड यहाँ देखो ये और भी कितना ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा नेदर दिखा देती हूँ। तो अपने नेदर का व्यू कुछ इस तरह है गाइस, जो कि ठीक है, अच्छा है। पिछले वाले शेडर का मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था। नेदर तो हमने देख लिया, अब चलते एंड में। एंड गाइस हम आ चुके हैं एंड में, और इस शेडर का एंड तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, पिछले वाले से भी अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे भी सेम सिंबल है गैलेक्सी जैसा, और ये हमारी चिपकली उड़ रही है। एंड गाइस यहाँ पे भी पर्पल सी लाइट है। मैंने टूर तो आपको दे दिया, चलो अब सिनेमैटिक्स देखते हैं। गाइज अपना थर्ड शेडर है RDAK शेडर, और जैसे कि हम देख सकते हैं इसके नाइट देखो गाइस कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ये तारे देखो एकदम रियल लग रहे हैं। और स्पेशल चीज तो ये जो अलग से लाइट आती है ना नाइट में, बहुत ज्यादा ही सुंदर लगता है ये। एंड दिन में गाइस इस शेडर का एनवायरमेंट कुछ इस तरह लगता है, और सन देखो सन ऐसा दिखता है जो कि सच में ब्यूटीफुल है। ओवरवर्ल्ड तो हमने देख लिया, अब चल के देखते हैं कि नेदर में कैसा लगता है। एंड गाइस हम आ चुके हैं नेदर में। एंड गाइस इस शेडर का नेदर भी लास्ट नेदर जैसा ही है, कुछ ज्यादा अलग चेंजेस नहीं है, डिसेंट सा नेदर है, मुझे अच्छा लगा। एंड नेदर भी हमने देख लिया गाइस, अब चलते हैं एंड में। एंड गाइस एंड हमें कुछ इस तरह देखने को मिलता है, पिछले वाले शेडर से ज्यादा हमें ब्राइट देखने को मिलता है गाइस ये वाला एंड, और हम क्लियरली अपने चिपकली को भी देख पाते हैं। एंड गाइस देखो मेरे पीछे पीछे अपनी बिल्ली भी आ गई। तो शेडर का टूर तो हमने कर लिया, अब सिनेमैटिक्स देखते हैं।
एंड गाइज अपना फोर्थ शेडर है फैंसी शेडर। एंड गाइज देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि यही शेडर है जो मैं अपने वीडियोस में यूज करती हूँ, क्योंकि ये शेडर ज्यादा लैग नहीं करता, अपने नॉर्मल फोन में भी इजीली चल जाता है, इसलिए यही शेडर मैं यूज करती हूँ। एंड इस शेडर का बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। ये देखो जो पानी है ना पूरा क्रिस्टल क्लियर है, और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें पानी के अंदर का भी इजीली दिखेगा, हमें कोई पोशन वगैरह की जरूरत नहीं है, तो इसलिए भी ये शेडर आप यूज कर सकते हो। एंड इस शेडर में अपने को पेड़ के जो पत्ते होते हैं गाइज ये भी हिलते हुए दिखते हैं, सुंदर लगता है ये भी। और हम आ चुके हैं नेदर में गाइज, तो देखिए नेदर कुछ इस तरह लगता है, ठीक ठाक ही व्यू आ जाता है गाइज, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। एंड गाइज बाकी शेडर की तरह इस शेडर में हमें ग्लोइंग ओर्स देखने को नहीं मिलते। एंड गाइज हमने ओवरवर्ल्ड और नेदर तो देख लिया, अब चलते हैं एंड में। तो ये इस शेडर का एंड गाइज, इसमें कुछ ज्यादा बदला नहीं है क्योंकि अपने नॉर्मल माइनक्राफ्ट के जैसे ही लगता है। एंड बेस्ट पार्ट तो मैं बताना भूल ही गई गाइज कि हमें ये शेडर यूज करने के लिए माइनक्राफ्ट पैच डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने नॉर्मल पॉकेट एडिशन वाले माइनक्राफ्ट में भी इजीली इसको खेल सकते, तो इसीलिए ये शेडर मैं तो यूज कर रही हूँ। तो टूर तो हमने ले लिया गाइज, चलो चल के सिनेमैटिक्स देखते हैं। एंड लास्ट शेडर है अपना न्यूबी XL। एंड गाइज इसका स्काई देखो क्या ऑसम लग रहा है, इसके जो तारे एकदम रियलिस्टिक व्यू देते हैं अपने को, और इसमें भी अपने को ग्लोइंग ओर्स का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। एंड इस शेडर की खास बात ये है गाइज कि जितने भी हॉस्टाइल मॉब रहते हैं ना उनकी आंखें कुछ इस तरह से चमकती है, ये देखिए। एंड इस शेडर का वाटर भी काफी डिसेंट सा है गाइज, देखो कितना ज्यादा ब्राइट लग रहा है। और जब हम पानी के अंदर आएंगे गाइज तो अपने को वेव की जैसे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइज इस शेडर का आप सन भी देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। अगर आपको सिनेमैटिक्स वगैरह निकालने हैं तो आप ये वाला शेडर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। एंड गाइज हम आ चुके हैं नेदर में, और नेदर देखो कितना ज्यादा डार्क लगता है, इसकी सैचुरेशन थोड़ी ज्यादा लग रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है गाइज। और ये देखो ये सब ग्लो कर रहा है, ऐसा लगता है किसी अलग ही दुनिया में आ गए। तो नेदर में हमने देख लिया, अब चलते हैं एंड में। तो ये है इस शेडर का एंड। अभी तक हमने जितने भी शेडर देखे गाइज उनमें से सबसे बेस्ट एंड इसी में लगता है, क्योंकि पर्पल लाइट्स भी है। आपको कौन सा शेडर सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे बता देना, तब तक हम इसके सिनेमैटिक्स देखते हैं। गाइज मैं आपको बता देती हूँ ये पांचों के पांचों शेडर मैंने अपने फोन में चला के देखे, लेकिन इन शेडर को आप लो एंड डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं, इजीली चल जाते हैं, लैग वगैरह नहीं होते, स्मूथ शेडर है, इसलिए मैंने आपको ये पांच ही शेडर रिकमेंड किए। आपको इनमें से कौन सा शेडर सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और गाइज मैंने इन पांचों शेडर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और माइनक्राफ्ट पैच की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। Spread love and peace, till then bye.